गुड मॉर्निंग डायमंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ऑसम होंगे, ज़िंदगी बहुत शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, घर पे सभी लोग बहुत हैप्पी होंगे, आपके साथ बहुत खुश होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने खुद के चैनल GDS हेल्थ एंड वेल्थ के अंदर। दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि सर, हम लोगों तक कैसे पहुंच पाएं, यानी प्रोस्पेक्ट को हम न्यूट्रल करके पॉजिटिव कैसे करें। तो आज कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मींस 14 reasons, मतलब 14 ऐसे कारण आपके प्रोस्पेक्ट को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे वो माइनस से न्यूट्रल और न्यूट्रल से पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। देखिए, हर इंसान यूनिक है, हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है अपनी ज़िंदगी से, हर इंसान का एक मकसद है जो उसे ढूंढना है। आपको सिर्फ हेल्प करनी है उस शख्सियत को उसका मकसद दिखाने में। एक एक करके मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आप जब प्लान देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट फिर भी आपका प्रोस्पेक्ट मतलब बिल्कुल मुंह खोलने को तैयार नहीं होता, अपने आप को खोलने को तैयार नहीं होता, तो आप ये रीजंस उसके सामने रख दीजिए। चाहे आप इसमें अपने विजिटिंग कार्ड पे आप इसको छपवा सकते हैं, या आपके पास में कोई पैम्पलेट रख सकते हैं इन चीज़ों का, और आप आपके प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हैं कि सर, आप सिस्टम को साइड करिए, बिजनेस को साइड करिए, अगर आपको मौका मिल जाए तो आप क्या चाहेंगे इन 14 चीज़ों में से। सबसे पहली चीज़, फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। इंसान पैसा तो कमा रहा है, लेकिन उतना नहीं कमा पा रहा जिससे वो जो चाहे वो इंजॉय कर पाए। सबसे पहला रीजन आप दे सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरा दे सकते हैं उसको टाइम फ्रीडम। मैं कहता हूं, लोगों के पास पैसा है लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, तो उस पैसे का करेगा क्या इंसान? बेसिकली इंसान की नीड है टाइम फ्रीडम। वो जब चाहे तब ब्रेक ले ले अपने काम से, जब चाहे इंजॉय करने के लिए जा सके, उसके लिए चाहिएगा टाइम। काम भी सफर ना हो और इंजॉय करने के लिए टाइम भी मिल जाए, दूसरा टाइम फ्रीडम। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, काफ़ी लोगों के अंदर क्रेज़ होता है नए दोस्त बनाने का, नए लोगों से मिलने का, अपनी दोस्ती बढ़ाने का, अपना दोस्ती का दायरा बढ़ाने का। नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा फील्ड है दोस्तों, जहां पे आप नए दोस्त बना सकते हैं, और ना केवल बना सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से रिलेशन भी निभा सकते हैं। चौथा कारण, चैरिटी। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो लोगों का भला करें। वो कारण बने कहीं ना कहीं जिसकी वजह से लोग अपने आप को ग्रो कर पाए। मींस, मान लीजिए किसी को आवश्यकता है, चाहे कह लीजिए टाइम की, चाहे पैसे की, या एक्स वाई जेड जो भी चीज़ है, और आप उसकी हेल्प करते हो वो चीज़ फुलफिल कराने में, तो ये एक तरीके से दान हो गया। तो आप पूछ सकते हैं कि सर, चैरिटी करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हर कोई चाहता है चैरिटी। आज मैं बात करूं, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, वो अपनी संपत्ति का 98% दान कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनके पास है। अगर इंसान के पास खुद ही नहीं है, वो दान क्या करेगा? सेम फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग साहब, वो भी अपनी संपत्ति का 98% से 99% पैसा दान कर देते हैं। पाँचवीं चीज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखिए, होता क्या है, बाहर की दुनिया में जब आप जाते हैं तो लोग आपको जज करते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, और लोग अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए
लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, क्लासेस लेते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोचेज से बात करते हैं, उनके सेमिनार्स लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा रास्ता है जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंसान की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है। ये भी एक कारण है 14 में से, जो लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छा कहें, अच्छा समझें और उनकी पर्सनालिटी सबसे हटके हो। नेटवर्क मार्केटिंग जरिया है इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप कराने का। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, एक्स्ट्रा इनकम। मैं कहता हूं काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जॉब से बहुत खुश हैं, लेकिन वो जो सैलरी मिलती है जॉब में कहीं ना कहीं चुभता है, क्योंकि महीने का जैसे जैसे एंड आता है इंसान टेंस हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, क्योंकि महीने के आखिरी दिनों में कहीं ना कहीं उसको पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों, मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, वो लोग सोचते हैं कि और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, महीने का आखिर चल रहा है, कोई मेहमान ना आ जाए। कारण उनके पास में वो पैसा नहीं है जो वो चाहते हैं। तो एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए आपकी सैलरी के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा पेमेंट आ जाए, जिसके कारण आपके महीने के आखिरी दिन बहुत अच्छे से निकल जाए। या मैं कहूँ आपका बिजली का बिल, मैं कहता हूँ आप अगर गाड़ी यूज़ करते हैं तो गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा निकल जाए, आपके पानी का खर्चा निकल जाए, आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो उस किराए के मकान का जो किराया है वो आप यहाँ से एज ए एक्स्ट्रा इनकम कमाने के वास्ते आ सकते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, सेवन्थ पॉइंट जो है वो है वर्ल्ड टूर। दोस्तों घूमना हर किसी को पसंद होता है, हर कोई चाहता है कि वो बाहर की दुनिया देखे, बाहर के देशों में घूमे। वर्ल्ड टूर नेटवर्क मार्केटिंग से आप इजीली कर सकते हैं। देखिए काफ़ी कंपनीज अवार्ड रिवॉर्ड में दे देती हैं, काफ़ी कंपनीज के माध्यम से लोग बहुत पैसा कमाते हैं और फिर पूरी दुनिया घूमते हैं। तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ज़रिया है, आप इसके माध्यम से पूरी दुनिया घूम सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर सकूं, स्वीट होम। हर किसी को अपना घर बनाना अच्छा लगता है, अपने घर में रहना अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बाहर से आके बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और वो रहते हैं किराए के मकान में, तो उनका एक सपना होता है खुद का घर, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। हर कोई चाहता है कि उनका खुद का एक पर्सनल घर हो। नेटवर्क मार्केटिंग से आप इस सपने को भी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे बहुत शानदार एजुकेशन लें, अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छे कॉलेज में जाएं। नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा सकते हैं। नई कार या नई गाड़ी आप ले सकते हैं, चाहे वो टू व्हीलर है चाहे वो फोर व्हीलर है। हर किसी का सपना है कि चार पहिए की गाड़ी में घूमें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ से आप अपनी नई गाड़ी अचीव कर सकते हैं, अपने लिए नई कार प्लान कर सकते हैं। जिंदगी को एंजॉय करना और हॉबीज को जीना बहुत बड़ा रीजन है। देखिए दोस्तों, इंसान आज जिंदगी की जद्दोजहद में इतना फंस चुका है, इतना फंस चुका है कि वो अपनी हॉबीज को भूल ही गया है, वो एंजॉय करना भूल ही गया है। नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता रास्ता है दोस्तों, जहाँ पे आप अपनी हॉबीज़ को दोबारा से एंजॉय कर सकते हैं, उन हॉबीज़ को जी सकते हैं। हर किसी की अपनी हॉबी होती है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई डांस करना चाहता है, कोई सिंगिंग करना चाहता है, कोई पूरी दुनिया घूमना चाहता है। लेकिन चूंकि हमारे पास में ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिसकी वजह से हमारा घर चले, हमारा परिवार चले, फैमिली चले, उसकी वजह से हम अपनी हॉबीज़ को भूलना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहाँ पे आप अपने इस सपने को भी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ,
अच्छी हेल्थ। देखिए, अगर आपके पास में अच्छा पैसा है, अच्छा इनकम सोर्स है, तो आप अच्छा खाना खा सकते हैं। आज के टाइम में आप देखिए, पानी गंदा है, हवा गंदी है, खाना गंदा है, लेकिन ऐसा सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑर्गेनिक फूड आप खाना शुरू करिए। ऑर्गेनिक फूड महंगा मिलता है, बट मिलता ज़रूर है। हेल्थ के लिए आप अच्छी चीज़ें, आप अच्छे क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाता है। आप अच्छे अच्छे कोर्सेज ले सकते हैं हेल्थ से रिगार्डिंग। कंडीशन ये है, पैसा होना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप अपनी अच्छी हेल्थ, प्लस काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं जो हेल्थ एंड वेल्थ हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में काम कर रही हैं। उनके प्रोडक्ट्स बहुत शानदार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं मेरा नंबर डालूंगा, अगर आपको प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर डाल दूंगा आपके सामने जब आप वीडियो देखेंगे। तो गुड हेल्थ भी आप ले सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। नेक्स्ट सबसे शानदार चीज़, इस पर मैं अपना एक खुद का एक और वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी लेके आऊँगा, पैसिव इनकम, पैसिव अर्निंग। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि काम कम करना पड़े या ना करना पड़े, लेकिन अर्निंग और इनकम आती रहे आती रहे आती रहे, उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खूब अच्छी मेहनत करनी है, उसके बाद आपको सिर्फ बैठ के इंजॉय करना है, सिर्फ पैसिव अर्निंग, आपको सिर्फ कैश गिनना है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। पैसिव अर्निंग का बहुत अच्छा सोर्स है नेटवर्क मार्केटिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने सुनी थी, या तो आप 40 साल गधे की तरह मेहनत कर लीजिए और एट द एंड ऑफ द डे भिखारी की तरह अपने बच्चों के आगे हाथ फैला दीजिए, या फिर 5 से 6 साल किसी भी अच्छे कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रज के काम कर लीजिए और सारी ज़िंदगी इंजॉय कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग से आप अर्ली रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 14 रीज़न जब आप किसी के सामने रखेंगे या आपके प्रोस्पेक्ट के सामने रखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, मैं दावा करता हूँ, इनमें से किसी पॉइंट पे वो रुकेगा, और जब वो रुकेगा तो आप उसके माध्यम से एलोबरेट कर सकते हैं आपका प्लान, आपका सिस्टम। आई होप बहुत ही शानदार लगा होगा आपको वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाइए, ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।